जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों आज की कथा से पहले मेरा छोटा सा सुविचार। दोस्तों अच्छा बनना और अच्छा होना में बहुत फर्क होता है। लोग अच्छा बनने के लिए ना जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगियों से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हजार जिंदगियों की जिंदगी बना जाते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि दूसरों की जिंदगी बना सकें। अब बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। आज की कथा में सूत महाराज पूजा वेद तथा पार्थिव पूजन विधि के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा, पूजा वेद एवं पार्थिव पूजन विधि, एपिसोड 17, शिव पुराण। ओम गण गणपताये नमः। ओम नमः शिवाय। पूजा वेद। महर्षि सूत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए, जो आपने व्यास जी से सुनी है। तब सूत जी ने ऋषियों को बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं, जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो पार्थिव महेश्वर की पूजा करें। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कलयुग में पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं, उन पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कुलियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वह दारुणसूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। इसमें सूत जी ने ऋषियों को बताया है कि जो शिवलिंग है उन सब शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। इसकी पूजा करने वाले को भगवान शिव जी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।